गाइस, मुंबई में अफोर्डेबल प्लस टू मच फैशनेबल क्लोथ कहीं मिलते हैं तो वो है कोलाबा मार्केट में। मैंने उसकी ब्लॉग डाला हुआ, मतलब वहां पे क्या क्या चीजें मिलता है, किस किस रेंज में मिलता है, प्लस प्राइस के साथ वीडियो डाला हुआ है। जो आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले वो देख लो, देन मैं बताने वाली हूँ आज इस वीडियो में कि मैंने वहां से क्या क्या सामान खरीदा है, कौन कौन से कपड़े खरीदे हैं और वो कैसे दिखते हैं, क्या क्वालिटी है, कितने प्राइस का मिला, वो सारा चीज डिटेल मिलेगी आपको इस वीडियो में। तो पहले वो वीडियो देख लेना, देन ये वाला देख के फिर उस पर चले जाना। मैं लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो मेरा नाम है नौशीन, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इलाइट लुक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये फैशनेबल ड्रेस, इस ड्रेस की लेंथ सिर्फ और सिर्फ इतनी है। मैंने ये गोवा जाने से पहले लिया था क्योंकि गोवा में इस तरह से पार्टी ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। एंड ये जो है ये पैडेड है, ये पैडेड है एंड इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। प्लस यहाँ पे पीछे इलास्टिक है, ये देखो यहाँ पे ना ये गेटिस है, ठीक है। तो इसमें आपको ब्रा पहनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर आप चाहो तो सिर्फ टेप वाला ब्रा जो आता है आजकल, स्टिक ऑन ब्रा, उस टाइप का पहन सकते हो। बाकी ये बहुत चल रहा है, ये पूरा कट है मेरे पास, मेरी फोटो होगी जो कि मैंने गोवा में क्लिक किया था तो मैं डाल दूंगी, आप देख लेना किस तरह लुक आता है। एंड ये मेरे को थाइस तक आती है इसकी, एंड ये पूरी फ्रॉक है। सो अगर जिनकी थोड़ी बहुत टमी है ना, जैसे मेरे जैसे लोग, तो भी उसके लिए सही है क्योंकि यहाँ तक ही फिटेड है, इसके बाद ही पूरा लेयर्स है। ऐसा कपड़ा काफ़ी अच्छा, कॉटन नहीं है लेकिन पॉलिस्टर टाइप का है, बहुत अच्छा मटेरियल है। एंड इसको मैंने वॉश भी कर चुकी है एक बार, ज़रा सा भी वॉश ख़राब नहीं हो। सबसे अच्छी बात पता है क्या है इसमें, यस इसमें पॉकेट भी है, ऐसा छुपा हुआ रहता है ना कि दिखता नहीं है, बट यस इसमें पॉकेट भी है। तो आप अपना थोड़ा बहुत सामान या मोबाइल वगैरह रख सकते हो एंड देन आप गोवा में पार्टी कर सकते हो, पार्टी। ये जो ड्रेस है मुझे कोलाबा में फेरी वालों में से नहीं मिली थी, जो साइड में दुकानें होती, शोरूम होती हैं, वहाँ पे मुझे ये मिली थी। एंड ये मुझे कॉस्ट की थी 950 रुपीज़ की, जो कि मुझे काफ़ी सही लगी। ओके, सो नेक्स्ट एक और ड्रेस मैंने लिया था मेनली बीच के लिए, क्योंकि एंड ये वाला ड्रेस मुझे देखते एक बार में पसंद आ गया था, एंड ये अभी धुलवाया ना तो इसलिए ये कागज़ वागज के साथ दिया है उन्होंने। तो ये कुछ इस तरह से ड्रेस है। ओह माय गॉड, ये ड्रेस इतनी ज़्यादा प्यारी है ना, लुक एट दिस। एंड ये मैक्रोन का काम जो होता है उसमें, प्लस अंदर अस्तर भी दिया हुआ है एंड स्लीव्स भी इस तरह से। एंड ये स्लीव्स देखो इसकी किस तरह से, देख लो कितनी स्टाइलिश है। एंड इसमें यहाँ पे पेट के पास तरह से इलास्टिक दिया हुआ है। एंड ये ड्रेस कम और नीचे से तो क्या बोलते, जंप सूट बोलते हैं ना, जंप सूट का शॉर्ट वाला जो होता है उसको मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो ये वो है, मतलब बीच से ये ज्वाइंट है, बीच से ये ज्वाइंट है, बट आपको दिखने में बिल्कुल नहीं लगेगा कि बीच से ज्वाइंट है, बट यस बीच से ये ज्वाइंट है। ताकि ये सबसे ज़्यादा काम कब आता है कि हवा चल रही है तो आपका ना हो, ठीक है। तो बीच से अगर ज्वाइन अंदर से, अंदर ऊपर से नहीं ज्वाइन है, मैं कैसे दिखाऊँ आपको, हाँ ये जो ये अंदर अस्ता दिया हुआ है ना, ये बीच से ज्वाइंट है, ये देखो ज्वाइंट है, समझ गया ना मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को, आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो, है ना। एंड इसमें यहाँ पे डोरी भी दी हुई पीछे कि अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भाग रहा है तो आप कर सकते हो। प्लस एक चीज़ है, इसमें आप ट्रांसपेरेंट टाइप का ब्रा ही पहनना वरना सब कुछ झलकेगा, क्योंकि व्हाइट कलर का है, बहुत जल्दी गंदा भी होता है। लेकिन सच में आप बीच पे जो मस्त फोटोज आई थी मेरी सनसेट पे, ये पहन के आई कांट एक्सप्लेन। एंड ये मुझे थोड़ी सी कॉस्टली मिली थी, मतलब ये मुझे मिली थी 1200 रुपीज़ की, बट आई थिंक दिस इज़ बेस्ट बाय क्योंकि ये अच्छा है एंड यूनिक। अगर आप इसी तरह का किसी ब्रांडेड जगह से लोगे, आपको कम से कम 2500 रुपये से कम का नहीं मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट एक और ड्रेस मैंने ली थी बीच व्यू के लिए ही, ये भी अगेन थोड़ा सा जंपसूट टाइप का है एंड पहनने के लिए आपको फ्रंट ओपन है, वन सेकेंड, ये भी अगेन वेकेशन वाइब की, इसमें फुल स्लीव्स है, ठीक है। यहाँ पे देखो इस तरह इलास्टिक दिया हुआ है, बीच में पेट के पास भी यहाँ पे इलास्टिक दिया हुआ है, ये पूरा इस तरह से फ्लेयर है। अगेन ये अंदर से ज्वाइंट हुआ है ताकि ये आपकी ड्रेस उड़े तो आप बचे रहो। एंड ये बहुत अच्छा, ये जॉर्जेट टाइप का मटेरियल है, अंदर अस्तर दिया हुआ है वाइट कलर का, एंड इसको आपको फ्रंट से यहाँ से ओपन हो जाता है, ये देखो ये बटन लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ से आप ओपन करके पहन सकते हो, इस पर भी बहुत अच्छी लगती। एंड ये वाली मुझे अगेन मैंने शॉप से ली थी, ये मुझे आई थिंक पड़ी थी 1000 के अराउंड, यस 1000 के अराउंड ये वाली ड्रेस मुझे मिली थी। नेक्स्ट ड्रेसेस के अलावा मैंने एक दो चीज़ें और, मैंने नेक्स्ट ड्रेस के अलावा मैंने एक ये शर्ट ली थी, ये
क्रॉप शर्ट है, शॉर्ट शर्ट है, नहीं प्रेस नहीं है, मैंने अभी तो पहना भी नहीं, इसलिए प्रेस भी नहीं है, फुल स्लीव्स की है, ये उल्टी है। ओके आ जाओ। ओके सो ये आप देख सकते हो शॉर्ट शर्ट है, मतलब नीचे कोई आप टैंक टॉप पहने हो तो उस पर इस तरह से डाल सकते हो, या सिंपली आप इस तरह से डाल सकते हो। एंड ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, बहुत सस्ती मिल रही थी, 200 रुपये की मिल रही थी, तो मैंने ले ली। नेक्स्ट मैंने एक प्लाजो टाइप का लिया घर में पहनने के लिए, बट मुझे आने के बाद थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मुझे टाइट हो रहा था, क्योंकि इसमें ना ये इस तरह से प्लाजो है, ठीक है, ब्राउन कलर का, इसमें ना म्यानी नहीं दी हुई थी, तो मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट होता है अगर किसी चीज़ में म्यानी ना हो जीन्स के अलावा। तो यहाँ पे पॉकेट भी दिया हुआ है, एंड फ्रंट में यहाँ पे बेल्ट टाइप का ये भी दिया हुआ है। इसमें बहुत सारे कलर थे अलग अलग के, और ये मुझे पड़ा था 250 रुपये का। नेक्स्ट एक और मैंने प्लाजो लिया था, ये मुझे पड़ा था 400 रुपये का, क्योंकि ये बहुत चौड़ा घेरदार का, ये देखो एक पैजामा एक पैर इतना चौड़ा घेर है, ठीक है, काफ़ी घेर था इसमें, नारा के साथ था सर, इसमें इलास्टिक लगा हुआ था, तो अगर आप इसको पहनते हो ना तो ये स्कर्ट टाइप का कुछ, मेरे तो हाथ दर्द होने लगे ऐसे करते हुए, तो ये पहनने पे थोड़ा सा स्कर्ट टाइप का वाइब देता है, क्योंकि इसके घेर काफ़ी चौड़े हैं, तो ये 400 का मुझे पड़ा था। नेक्स्ट अगर आप लोगों ने देखा होगा मेरे वीडियो में, कोलाबा का जो वीडियो डाला था मैंने, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे टी शर्ट ओवर साइज टी शर्ट इतने अच्छे अच्छे मिल रहे थे 200 रुपये के सिर्फ, एंड तो उसमें से मैंने 2-4 उठा लिया। तो सबसे पहले है ये एक मैंने प्लेन कलर लिया, बिल्कुल प्लेन कलर है, आगे भी प्लेन है पीछे भी प्लेन है, ओवर साइज टी शर्ट है, इसलिए कि बहुत जगह मुझे प्लेन पहनने का मन करता है, तो मैंने कहा ये सही है। एंड ये बॉयज़ टाइप का है, देखो इसका गला बिल्कुल छोटा सा है, तो अगर आपको इस टाइप अच्छा लगता है तो आप ले सकते हो। ये मैंने साइज लिया है एम साइज। नेक्स्ट मैंने थोड़ा सा फंकी टाइप का लिया है नोरोटो, मुझे नाम नहीं पता, ये देखो ये रुको, ये इसकी बैक है, पीछे साइड इस तरह का पूरा बना हुआ है, एंड फ्रंट में इस तरह से बना हुआ है प्लेन, तो ये गर्मियों के सीजन में बहुत सही रहता है घर में पहनने के, तो मैंने कहा कि नौशीन उठा लो इसमें की 2-3। नेक्स्ट एक और इसमें की लिया है अलग पैटर्न का, इसमें पीछे कुछ इस तरह से बना हुआ है डिजाइन, ठीक है, एंड फ्रंट में ये है, तो ये 3 इस टाइप के मैंने। एंड नेक्स्ट एक और मैंने लिया है ये टॉप टाइप का, तो ये भी मुझे 200 रुपये का पड़ा था, बहुत अच्छा बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, मतलब जैसे बच्चों के कपड़े नहीं होते छुओ तो कितने सॉफ्ट सॉफ्ट होते, बिल्कुल वैसा सॉफ्ट कपड़ा है इसका, तो मैंने कहा ये तो मुझे लेना बनता है। तो इस तो यार इतनी सारी शॉपिंग कर डाली मैंने कोलाबा, अब इसको तह भी करना है मुझे, रखना है। और अगर आप और भी मार्केट चाहते हो मैं एक्सप्लोर करूँ, आप लोग जानना चाहते हो मार्केट, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, आपकी क्या रिकमेंडेशन है, आप किस टाइप की और वीडियोस देखना पसंद करते हो वो भी ज़रूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं करा है, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम हैंडल है lightlook6। ओके गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।